Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. मॉनसून की दस्तक के साथ तेज बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने से बिहार के मुजफ्फरपुर में बढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कारण शहर से सटे सिकंदरपुर, अखाड़ा घाट, लकड़ी ढाई और चंदवाड़ा इलाके में नदी का पानी प्रवेश कर गया है। इससे करीब 500 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला आपदा विभाग के मुताबिक दो दिन पहले 4 लाख क्यूसेक पानी गंडक बराज से डिस्चार्ज किया गया था। इस वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, लेकिन शुक्रवार से जलस्तर में गिरावट आएगी। सोमवार को बराज से 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो कि रूटीन है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से लगभग 200 परिवार बाढ़ के पानी में रहने को मजबूर हैं। बड़ी गंडक का पानी मोहल्ले में प्रवेश कर जाने के कारण लोग अब पलायन करने के लिए भी सोचने लगे हैं। रास्ते में भर जाने की वजह से बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आने जाने में भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या करे, 3 दिन से ही बाढ़ का पानी आकर के घिर गया स्कूल के पीछे। अब बहुत मजबूरी से हम भी आ रहे हैं और बच्चा भी आ रहा है। हम लोग के पास पानी घुटना से ऊपर है पानी। आप लोग कैसे आते हैं? हम लोग भी बहुत दिक्कत से आ रहे हैं और पानी अभी बढ़ने का संभावना ही। कितना समय लग जाता है? 20 से 25 मिनट तक हम लोग हेलते हैं, पानी में गिरियो जाते हैं। हर साल जुलाई और अगस्त से लेके सितंबर तक लगभग 2 से 3 महीना पानी को इसी प्रकार झेल के आना पड़ता है, जिसमें लगभग ठेवना भर पानी तो हर हमेशा हो ही जाता है। और पूरे इस 2 महीने के दरमियान मेरा कभी भी सर्दी खांसी नहीं छूटता, क्योंकि जाने टाइम में पानी लगभग 5 बजे 4:30 5 बजे के आसपास इतना गर्म रहता है, जिससे कि पूरा शरीर हीट हो जाता है। एकदम एंट्री करते ही लगता है कि आज मतलब कोई गर्म पानी से नहा दिया हो, इस टाइप का फीलिंग आ जाता है। फिर घर पे जाके दवा खाना, तेल लगाना, परेशानी तो है। और इस पर सरकार को सबक लेना चाहिए, यहाँ के विधायक जो भी हैं उनको भी आकर यहाँ की सुधि लेनी चाहिए कि किस प्रकार यहाँ के छात्र शिक्षक त्रस्त हैं। और यहाँ के मुखिया भी आने चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। अभी अभी संज्ञान में आया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सोनौली, जो कि चंगेल पंचायत में अवस्थित है, वहाँ पे जो लखनदेही नदी है उसके उसके पानी के जलस्तर में जो वृद्धि हुई है, उसकी वजह से उस पूरे एरिया में भी जलस्तर की वृद्धि हुई है। तो बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि वहाँ तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी सड़क का। तो ये है कि हम लोग ऊपर बात करेंगे अपने पदाधिकारी से, वरीय जो भी पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी और DM सर को इसकी सूचना दी जाएगी। तो अगर उस स्कूल को कहीं और शिफ्ट करके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कोई रोक ना हो, मतलब उनकी जो पठन पाठन है वो चलती रहे, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और हम लोग सर से एक बार विचार विमर्श कर लेते हैं, और कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करने का होगा तो हम लोग वो यही प्रावधान करेंगे।